गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जीत जायसवाल आप सभी को अपने चैनल टारगेट इज पॉसिबल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो और टॉपिक बहुत ही खास है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक का देखिए। अगर जिन भी अली भाई को CSC ID या पासवर्ड मिल गया है या फिर नहीं मिला है और वे आगे क्या करेंगे क्या नहीं करना है, इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक का देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में जो नया पोर्टल डिजिटल सेवा का पोर्टल लॉन्च हुआ है इसमें कैसे आप लोग लॉगिन करेंगे मैं आप लोगों को पोर्टल दिखा दूं। इस पोर्टल में आज आप लोगों को लॉगिन करके दिखाऊंगा और क्या क्या नई सर्विसें इसमें जुड़ गई हैं, इन सारी बातों पर मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो अंत यानी लास्ट तक का देखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक का देख लेते हैं तो आपको सारी की सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे एक रेड कलर का प्ले बटन दिख रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब और यहाँ पर सब्सक्राइबरों की संख्या दी गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब लिख देगा और सब्सक्राइब लिखने के बाद यहाँ पे एक बेल का आइकन शो होने लगेगा। उस बेल के आइकन पे आप लोग क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएंगे टारगेट इज पॉसिबल की तरफ से उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं लोग अपने टॉपिक की तरफ और जान लेते हैं लोग कि कैसे आप लॉग इन करेंगे CSC के न्यू पोर्टल में। आज इसी बात पर मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगी। तो मेरे प्यारे भेली भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी DigiMail की ID और पासवर्ड मिल गई है वे अपना DigiMail ओपन कर लें। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, मैं आप लोगों को उस नोटिफिकेशन को दिखा दूँ क्या नोटिफिकेशन मिला है। ये नोटिफिकेशन है इंपोर्टेड इंस्ट्रक्शन फॉर डिजिटल सेवा पोर्टल के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। इस निर्देश को पहले मैं आप लोगों को बता दूँ और इस निर्देश को बताने के बाद मुझे कल शाम में डिजिटल सेवा का जो न्यू पोर्टल उसका ID पासवर्ड मिल गया, मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को लेकिन वह आपको शो नहीं होगा। और मैं लॉगिन करके भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कैसे लॉगिन करेंगे और क्या क्या नई सर्विसें आपको मिली हैं डिजिटल सेवा के न्यू पोर्टल के माध्यम से, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक का ही देखिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं महत्वपूर्ण उसे मैं पढ़ के बता दूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दिया है कनेक्ट और DigiMail लॉगिन करने के लिए अलग यूजर नेम होंगे। मतलब जो वहाँ पे आप कनेक्ट पोर्टल करते थे उसका अलग आपको लॉगिन मिलेगा और DigiMail का अलग ही रहेगा। दोनों का सेम में कोई भी तालमेल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है फ्रेंड, यहाँ पे दिया है अभी कुछ समय के लिए DigiMail में रीसेट पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड की सुविधा नहीं मिलेगी, यह सुविधा भविष्य में उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कई लोगों का डिजिटल मेल का ID पासवर्ड मिल गया और वे फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वे जिनको मिल गया उतना ही पे आप लोग वेट कीजिए क्योंकि ये सुविधा जल्द ही लॉन्च की जाएगी, क्योंकि अभी तक ये सुविधा लॉन्च नहीं की गई है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अभी कुछ समय के लिए DigiMail में रीसेट फॉरगेट पासवर्ड की सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप लोग वेट कर लीजिए और जब ये सुविधा मिलनी चालू हो जाएगी तो आप लोग रीसेट कर लीजिएगा अपने DigiMail के ID और पासवर्ड को। और फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन तीसरा पॉइंट भी कह दिया है अपना CSC ID DigiMail ID पासवर्ड वॉलेट पिन और email ID किसी को ना बताएं अन्यथा इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों से मैं कई वीडियो के माध्यम से कहा हूँ कि अपना किसी भी तरह का ID पासवर्ड कहीं भी किसी को ना दें, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप फंस सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे चौथे ऑप्शन में क्या दिया है उसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। चौथे ऑप्शन में क्या दिया है अपना पासवर्ड और वॉलेट पिन CSC के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को भी ना बताएं। CSC का कोई भी कर्मचारी अधिकारी आपसे आपका पासवर्ड या वॉलेट पिन कभी नहीं पूछेगा। तो ये भी बात आप लोग गौर कर लीजिएगा, किसी को नहीं बताना है चाहे वह CSC के अधिकारी हों या फिर कोई भी हों। और पांचवें ऑप्शन में क्या दिया है अपनी CSC ID पासवर्ड वॉलेट पिन और email ID किसी भी सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप आदि पर शेयर न करें अन्यथा इसका गलत उपयोग हो सकता है। तो ये तो सिंपली सब कुछ में आ गया होगा जिसमें क्या दिक्कतें हो सकती है। फिर छठे ऑप्शन में क्या दिया है आपको सख्ती से केवल आधिकारिक संचार पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है। आपको सख्ती से केवल आधिकारिक संचार पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है। फिर सातवां कॉलम में क्या है कृपया किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में लिप्त न हो अन्यथा आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है।
तो किसी भी फर्जी वाला काम मत किया कीजिए जिसके चलते आपको CSC ID से हाथ धोना पड़े। फिर 8वें ऑप्शन में दिया है CSC ID मुफ्त प्रदान की जाती है यदि कोई VLE किसी को भी उसके लिए किसी भी तरह का भुगतान करता या करती है तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। CSC किसी को भी किसी से भी पैसा नहीं लिया, मुझसे भी पैसा नहीं लिया, किसी से भी पैसा नहीं लिया। आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, CSC ID पासवर्ड लेने के लिए किसी को पैसा नहीं देना है, और जो पैसा भी देता है तो समझिए उस पैसे का जिम्मेदार वो खुद है अगर उसे ID पासवर्ड नहीं मिलती है तो। ये नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये इसको आपको फ्यूचर में पालन करना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करते हैं तो आप अपने CSC और ID पासवर्ड से हाथ धो बैठेंगे। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मुझे मेल के माध्यम से ID और पासवर्ड DG Mail पे आ गया है, और मैं आपको दिखाने के बाद जस्ट ही आपको न्यू पोर्टल में आपको लॉगिन करके मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मुझे यहाँ पे डिजिटल सेवा का लॉगिन ID और पासवर्ड मिल गया है, और यहाँ पे देखिए डियर नाम लिख दिया गया है, और यहाँ पे कंग्रेचुलेशन दिया गया है, और ये मुझे मेल 20 फरवरी को प्राप्त हुई है, और यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे दे रहा है, ये जो मुझे मेल लिंक मिला है ID पासवर्ड का, तो यहाँ पे दिया एक्टिवेटेड बाई टुमारो मॉर्निंग, तो आज तुम 21 तारीख है, आज तो एक्टिव नहीं होगा, ये 22 तारीख को सुबह में एक्टिव हो जाएगा। तो मैं फिलहाल आपको 22 तारीख का जो वीडियो मेरा लॉन्च होगा उस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को लॉगिन करके न्यू पोर्टल में। यहाँ पे URL दिया है, यहाँ पे मुझे ID मिल गई है, और आप यहाँ पे मुझे पासवर्ड मिल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लॉगिन करके दिखाऊंगा, और इस वीडियो में लॉगिन नहीं हो पाएगा क्योंकि टुमारो यानी 22 तारीख को सुबह में ये लॉगिन होगा, मैं उसमें लॉगिन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।